नमस्कार, सिटी लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं कंचन शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। तेजी स्टेडियम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। लोकसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम ने जिले के कार्यकर्ताओं का किया अभिनंदन। डीएवी कॉलेज में ब्रजभूमि फाउंडेशन द्वारा जिले की 51 महिलाओं को किया गया सम्मानित। गाँव जुड्डा शिकान के एक व्यक्ति ने टेलीफोन एक्सचेंज के जेए के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत। दिल्ली में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में हिंदू संगठन उतरे सड़कों पर। और अब गतिविधियां विस्तार से। तेजली स्टेडियम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंच से सीएम ने कहा कि हम सब फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू कर रहे हैं। हमने बाजरा भी खरीदा, सरसों की भी पूरी खरीदी है और अब हम सूरजमुखी भी पूरा खरीद रहे हैं। एक एक दाना किसान का हम खरीद रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर, जल शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार रतनलाल कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा, साढ़ोरा के विधायक बलवंत सिंह और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सब फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू कर रहे हैं, कर दी हमने शुरू। हमने बाजरा भी पूरा खरीदा, सरसों भी पूरी खरीदी है और अब हम सूरजमुखी भी पूरा खरीद रहे हैं। एक एक दाना किसान का खरीद रहे हैं, उसके पास बचने नहीं दे रहे। और हमने जल बचाओ अभियान में जल ही जीवन योजना के अंतर्गत धान के बजाय मक्का बोने के लिए जो निवेदन किया है, अपील की है, साथ में गारंटी दी है कि मक्का भी एक एक दाना पूरा खरीदेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन चूंकि प्रदेश सरकार को खरीद करके इसको खपाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको भी केंद्र सरकार 25% की बजाय इसमें 40% खरीदने के लिए हमको प्रावधान करें। निश्चित रूप से हम जो एमएसपी के दाम बताए गए हैं, इसके माध्यम से सारा खरीदेंगे। 40% केंद्र खरीद ले, 60% की व्यवस्था हम अपने यहाँ कर लेंगे। उसकी कंजम्पशन हरियाणा में करनी हो हरियाणा में करेंगे, नहीं तो बाहर कहीं बेचना होगा तब बेचेंगे। 60% का घाटा हरियाणा सरकार उसको ले लेगी, 40% का जो पैसा है वो हमको केंद्र सरकार दे दे तो हरियाणा का भला करेंगे, हरियाणा के किसान का भला करेंगे। और ये जो सहकारिता भाव से चलने वाली जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को और आगे बढ़ाने में हमको थोड़ा उत्साह मिलेगा। हम सब जानते हैं कि सहकारिता हमारे देश की आत्मा है। आरंभ से लेकर आज तक जो हमारे काम करने की मदद और संस्कृति रही है, उसमें सहकार भावना की बहुत प्रबलता रही है। और इसलिए जब इस भाव के अनुरूप हम सहकारिता के क्षेत्र में आते हैं और कृषि कार्य करते हुए सहकारिता से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य भी प्राप्त होता है। और एक किसान जो अकेले कोई काम नहीं कर सकता, वो बड़े से बड़ा उद्यम भी स्थापित करके उस काम को संपन्न कर सकता है, जिससे आसपास के उस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, समृद्धता की ओर बढ़ सकते हैं, रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं। सहकारिता का क्षेत्र यह भारतीय जनता पार्टी की, भारत सरकार की प्राथमिकता पर भी है और मुझे प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी लगातार इसको गति प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं और इसका लाभ आने वाले कल में हरियाणा को और प्राप्त हुए। सर, एक प्रपोजल रखा गया आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि सरसों और जो मक्का है वो नेफेड के थ्रू 40% जो है वो केंद्र सरकार खरीदे, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जिस तरीके से हरियाणा बात कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं सर और क्या केंद्र का सहयोग? यह सही है
कि मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य के विषय को रखा है। सामान्य तौर पर MSP के पीछे ये सोच रही है हमेशा कि जब पूरा उत्पादन किसान के घर में आ जाता है और उत्पादन की प्रचुरता रहती है तो मार्केट में भाव बढ़ जाता है, इसलिए समर्थन मूल्य पर कुछ न कुछ अगर सरकार खरीद ले तो मार्केट को संतुलित करने में मदद मिलती है। लेकिन यह अपनी जगह सही है कि आदरणीय खट्टर जी ने इस दिशा में काफ़ी सोचा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी काम किया है, राज्य सरकार की तरफ से भी किसान को इनपुट देने की कोशिश की है, उनका प्रस्ताव है तो ज़रूर हम इस पर विचार करें। आपने आज एक चीज़ कही है कि जो सरकारी जो समितियां हैं जो नफ़ा नहीं कमा पा रही अपने दम पर, नुकसान तो के सरकार के पास आ जाती है कि नुकसान के लिए आप शेयर कीजिए, लाभ उनका होता है, उनको आगे इस तरीके के आपने कहा है कि प्लानिंग है कि केवल वही चीज़ें रखी जाएंगी जो खुद अपने दम पर लाभ कमा सके। देखिए, हमने उसके पीछे की भावना ये है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो सिस्टम है जिसमें घाटा होता है उन लोगों को बुला करके प्रेरणा देंगे और उनमें घाटा करने की अगर कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है उसको भी हम दूर करेंगे ताकि सभी ऐसी सहकारी समितियां सहकारी संस्थाएं वो प्रॉफिट में आए, क्योंकि सहकारिता का अर्थ ये है कि वो आपस में मिलकर के काम करें और उसका जो लाभांश है वो मिलकर के उसका उपयोग करें। तो सहकारिता की भावना से ही ये भावना पैदा करनी पड़ेगी सब में कि सहकारिता मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए और सहकारी संस्थाएं और आगे बढ़ें और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने के लिए सारे काम करें। सरकारी मिले और जो सहकारी समितियां हैं सर, उनके लिए भी आपने कहा है कि उनके हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाया और आगे भी ऐसे चीज़ें, तो उसको लाभ में लाने के लिए हमें जो जितने प्रयत्न कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं ताकि आगे चल करके जो मिले हैं वो लाभ में आ जाए। लोकसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद CM ने जिले के कार्यकर्ताओं का किया अभिनंदन। कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर CM ने किया जीत का धन्यवाद। 15 अगस्त से प्रदेश में करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। लोकसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हर जिले में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज यमुनानगर में भी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह मनाया गया। CM ने कार्यक्रम में आते ही कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया। वहीं CM के पुष्प वर्षा करने पर कार्यकर्ता भी खुशी में झूमते नजर आए। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए CM ने जहां कार्यकर्ताओं का इस जीत के लिए धन्यवाद किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। CM ने कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही हम कांग्रेस का रोहतक का किला ध्वस्त कर पाए हैं और CM ने कहा कि अगर हम मार्जिन की बात करें तो देश भर में हरियाणा की सभी सीटों पर सबसे अच्छा मार्जिन आया है। वहीं CM ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर 15 अगस्त से पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। ये यात्रा हर विधानसभा में जाएगी और यात्रा के समापन पर किसी एक निर्धारित स्थान पर बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा जिसे विजय संकल्प रैली का नाम दिया जाएगा और इस रैली में प्रदेश के और देश के सर्वोच्च नेतृत्व आएगा। चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी सफलता का इतिहास वो होता है जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता। अगर जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के पास, किसी संगठन के पास ना हो तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता हमेशा हमारे साथ, कितने हाथ हैं, कितने लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कितनी गति हमारी है, वो सामूहिकता में चली गई और इस सामूहिकता का परिणाम, इस परिणाम के कारण से मित्रों आज आपका अभिनंदन करने का मेरा मन किया। मैं हर जिले में जाकर के अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। ये वो कार्यकर्ताओं की टीम है जिन्होंने हरियाणा में अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब हमारी सरकार शुरू शुरू में आई तो लोग भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि ये सरकार पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, ये मनोहर लाल ना नया आदमी है, कहां से पकड़ के ला के बैठा दिया, कहां से खोज के लाए। अब यमुनानगर के जिले के लोगों को उत्तर देने में तकलीफ नहीं आई क्योंकि यहाँ के लोग मुझे बहुत पुराने जानते थे और हम 10वीं सीट बड़े मारे से जीते। लेकिन बहुत बड़ा कांग्रेस का कहा जाने वाला किला लोगों ने ध्वस्त कर दिया। जैसा
साहब ने बताया कि अब देश की चार सीटें जो 6 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती उसमें से 2 सीटें हरियाणा की, एक तरफ हरियाणा एक तरफ बाकी का राज्य। एवरेज मार्जिन अगर हम सारे मार्जिन का 10 से भाग करें तो ये एवरेज मार्जिन 3,56,000 का आता है। और आपकी जानकारी के लिए सब स्टेटों का एवरेज मार्जिन निकाला गया तो हरियाणा का मार्जिन सारे देश में सर्वाधिक रहा 3,56,000। अब ये करामात हुई तो कैसे हुई? ये सब अपने सिस्टम के कारण से हुई। तैयारी कमर कसनी हमने अगले चुनाव, और अगला चुनाव ठीक 3 महीने के बाद चुनाव आएगा। इस बीच में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, बड़े बड़े कार्यक्रम भी हमने करने हैं। केवल 2 कार्यक्रमों उल्लेख करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक तो बड़ी यात्रा हरियाणा प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे 15 अगस्त के आसपास, हर विधानसभा में जाएंगे और सब विधानसभा में बड़े बड़े कार्यक्रम उस समय करेंगे। रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनका अभिनंदन स्वीकार करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे, और बाद में समापन के ऊपर किसी भी एक स्थान पर आपको समय और स्थान की सूचना मिल जाएगी, एक बड़ी रैली करेंगे, विजय संकल्प रैली। और विजय संकल्प रैली पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो, उस दिन सब लोगों को वहां पहुंचना होगा। देश का अपना सर्वोच्च नेतृत्व उसमें आएगा, समय स्थान ये सब आपको माध्यम पा लगेगा। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा में ज्वार ये आपको लाना है कि जो हमने सफलता प्राप्त की है पहली बार, उस सफलता को कहीं भी विधानसभा अनुसार बूथ अनुसार नीचे नहीं आने देना, और अगर कहीं थोड़ा नीचे थे तो उसको कैसे ऊपर आगे बढ़ाना है इसकी योजना बूथ के अनुसार सब बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट है कि अब की बार इस टारगेट को पूरा करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डीएवी कॉलेज में ब्रज मूवी फाउंडेशन द्वारा जिले की 51 महिलाओं को किया गया सम्मानित। समाज के अलग अलग क्षेत्र में प्रेरणा बनी और एक अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। ब्रज भूमि फाउंडेशन द्वारा डीएवी गर्ल्स कॉलेज में नारी शक्ति को प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 51 महिलाओं को सम्मानित किया गया। नारी शक्ति को प्रणाम ब्रज भूमि फाउंडेशन द्वारा की गई एक पहल है, जिसकी शुरुआत मथुरा से हुई थी और आज यमुनानगर के डीएवी कॉलेज में इस कार्यक्रम के तहत 51 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षा से लेकर हर तरह के विभाग से जुड़ी महिलाओं को चयनित करके उनको आज सम्मान दिया गया। इस संस्था के पास 1,627 आवेदन आए थे, जिसमें से 51 महिलाओं को चयनित कर ब्रज भूमि फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं ब्रज भूमि फाउंडेशन के फाउंडर अश्विनी चौधरी ने बताया कि हमारा टारगेट 50 शहरों को कवर करना है। जिस दिन पूरे देश के 50 शहर हम कवर कर लेंगे तो उन सभी 50 शहरों से चुनी गई सम्मानित महिलाओं को एक मंच पर बुलाकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उन्हें वहां पर सम्मानित किया जाएगा। निशा राव, ये अवार्ड हमें एक्चुअली हमें जो 51 लेडीज़ थी यमुनानगर की, उन सबको सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति को प्रणाम ब्रिज भूमि फाउंडेशन के थ्रू ये हमें सम्मान दिया गया है। बहुत बहुत बड़ा मंच था हम सब लेडीज़ के लिए, हम सबको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्रिज भूमि फाउंडेशन का, जिसकी मेंटर हेमा मालिनी जी हैं। सुरक्षित तो है, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा हमें जागरूक करना पड़ेगा। लेडीज़ को खुद आगे बढ़ना होगा, अपने लिए खुद कदम उठाने होंगे। कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना किसी भी चीज़ से। मुसीबतें बहुत आती हैं बट कभी भी हार नहीं मानना। रमीला बख्शी मेरा नाम है। ये सर ब्रिज भूमि फाउंडेशन की तरफ से था कि उसमें यही था कि जो जो महिलाएं आगे बढ़कर या समाज में काम करती हैं उनको सम्मानित करना था। उन्होंने इसमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब उन्होंने कोई किसी तरह से किसी पैसे का यूज़ किया हो या किसी से पैसा लिया हो, पर्ची कटवाई हो, इस तरह का कोई भी नहीं था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं देखिए, सुरक्षित भी है, ऐसी बात नहीं है कि सुरक्षित नहीं है, और अगर सुरक्षित जहाँ नहीं भी है वहाँ कदम भी उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था कि जो प्रे थी या कुछ भी जो जहाँ भी होता था वो खुलता नहीं था, और आजकल जो है वो पारदर्शी हो गया है कि सब जिस भी तरह का कोई कांड है या कुछ भी है वो खुल गया है और जिसके उसमें सरकार कदम उठा रही है।
अश्विन चौधरी। सर, आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने मथुरा के अंदर नारी शक्ति को प्रणाम की एक मुहिम स्टार्ट की। इस मुहिम के 3 ही उद्देश्य हैं। सबसे पहले जो है कि राइट वुमेन एट द राइट प्लेस। दूसरा है कि ये कोई अवार्ड फंक्शन नहीं है नारी शक्ति को प्रणाम, ये एक सम्मानित मंच है। आज हमारा यमुनानगर का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, कल हमारा चंडीगढ़ है, परसों लुधियाना और 8 जुलाई को पटियाला। तो इस तरह हम 8 जुलाई तक 15 शहरों में ये प्रोग्राम कर चुके होंगे। नारी शक्ति को प्रणाम का एक सीधा सा सिद्धांत है कि आजकल जैसा कि आप भी जानते हैं कि अवार्ड फंक्शन में कभी कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह होते हैं, कभी किसी तरह का चार्जेस, नारी शक्ति को प्रणाम में आप प्रोफाइल भेजिए, अगर आपकी प्रोफाइल हमारी प्रोफाइल से मैच करती है तो हम आपको अपने मंच पर सम्मानित करेंगे। या इसका कोई मनी मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट वुमेन एट द राइट प्लेस। सर, ब्रजभूमि फाउंडेशन तो पिछले 2.5 साल से ब्रज में काम कर रही है। पहले हम लोग ब्रजभूमि स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग मैंने शुरुआत की थी, जिसमें हजारों यूथ और बहुत सारे ब्रजवासी साथ में शामिल हुए थे। लेकिन नारी शक्ति को प्रणाम इसका 3 महीने पहले हमारे नारी शक्ति को प्रणाम की जो मेंटर हैं हमारे मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं, हमें जगह जगह पर और हम उनसे गाइडलाइंस भी लेते रहते हैं, वो हमें एज ए स्टूडेंट्स की तरह हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। जो भी प्रोग्राम चल रहा है कि ऐसे बहुत तरह के समाज सेवक और सेविकाएँ बैठे हैं कि हमारे जो भी प्रोग्राम आगे लगते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इसमें कोई मनी मैटर नहीं, तो हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि जो व्यवस्थाएँ हो रही हैं वो आप संभाल लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे सोशल में समाज के अंदर जो सेवक बैठे हुए हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गांव जोड़ा शेखान के एक व्यक्ति ने टेलीफोन एक्सचेंज के जेए के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत। जाति सूचक शब्द व गाली गलौज के लगाए गए आरोप। पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार। जाति सूचक शब्द व गाली गलौज करने के आरोप में गाँव जोड़ा शेखान के एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर श्यामलाल ने कहा कि वह टेलीफोन एक्सचेंज में टीटी के पद पर कार्यरत है। उसकी ड्यूटी याकूबपुर टेलीफोन एक्सचेंज में है। 29 जून को वह गांव पंजेटों में अपने स्टाफ के साथ रिटायरमेंट में गया था। वहां उनके एक स्टाफ के साथी व रिश्तेदार, जिनमें एक जेई जो कि टेलीफोन एक्सचेंज में ही कार्यरत है, उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। श्यामलाल ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं। इस सारे घटनाक्रम की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिससे संपूर्ण समाज को ठेस पहुंची है, जिससे समाज के लोगों में रोष है। उन्होंने जिला अधीक्षक कुलदीप सिंह यादव से इस संदर्भ में उचित कार्रवाई की मांग की है। हम तो इसलिए आए जी क्योंकि 8 तारीख की बात है जी, रिटायरमेंट में गए थे पंजेटू गाँव में जी, सुवर्ण जी की रिटायरमेंट थी, वहाँ रिटायरमेंट चल रही थी। मैं वहाँ जब गया जी, देखने में नाथीराम देही है, ससुरौली नाथीराम देही है जी मेरा। नासीराम जी ने कहा कि आप ऐसा करो पानी लो, तो मैं वहाँ टेबल पर पानी रख दिया। तो साथ में बैठे थे लगा वो बैठे श्यामलाल जी, बैठो आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहाँ बैठो, तो बैठ गया जी। फिर मैं वहाँ से उठकर चल पड़ा, तो वो जो साथ में बैठे थे लगा बैठो ना महाना जी, बस मैं चले। तो नासीराम ने कहा, जब मैं उठकर चलने लगा, कहा यो बहन चो तुम्हारा है कहा श्यामलाल का, एक पैसे का आदमी नहीं, घटिया आदमी तुम्हारे गिटल का। तो जी मैं वहाँ से चल पड़ा। फिर वो दूसरा बंदा जो मेरे साथ बैठा था, वो बंदा लगा नहीं आप आओ बैठो कुर्सी बैठो आप, कोई बात नहीं, बैठने लायक नहीं, तो औकात क्या है, इसको नीचे बैठाया जाए कि मार है जी। ऐसा है जी, हम ये चाहते हैं साहब जी, जैसे उनने ये शब्द कहे तो इस कर का हम उसको है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में हिंदू संगठन उतरे सड़कों पर, हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के विभिन्न हिंदू संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में मंदिर तोड़े जाने, मूर्ति खंडित किए जाने, दंगा भड़काने व आगजनी करने आदि के बारे में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के लोग देश में हो रही अराजकता को लेकर चिंतित हैं और ये चिंता महामहिम के समक्ष रख रहे हैं। हिंदू समितियों से जुड़े सभी लोग समय समय पर समाज में सामाजिक कार्य करवाते रहते हैं, जिससे समाज में भाईचारा बना रहे। इन सदस्यों का कहना है कि आपसी भाईचारा व सौहार्द बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य द्वारा समय समय पर किया जाता है। ये जो ज्ञापन है ये हिंदू संघर्ष समिति के तत्वावधान में अपने नगर के सभी सामाजिक
धार्मिक, शैक्षणिक और हिंदू संगठनों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन था। एक बहुत बड़ी निंदनीय और क्रूर घटना जो दिल्ली में हुई है भगवान के मंदिर को तोड़ने की, उसी हेतु में समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण इकट्ठे हुए थे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ये कोई घटना नई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र का हिस्सा है। बहुत लंबे समय से देश में राजनीतिक और सामाजिक कारणों से कुछ लोग इस देश में विद्रोह पैदा करने की कोशिश करते हैं और इस विद्रोह का ये हिस्सा है मंदिर को तोड़ा गया, जिसमें समाज में विकृति पैदा हो। एक ऐसा समाज जिसने ये कार्य, घृणित कार्य किया है, और उन लोगों के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति शीघ्रातिशीघ्र कोई कार्रवाई करें, जिस प्रकार से इसकी कोई गलत प्रतिक्रिया ना हो, इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।